हेलो दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग की एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं स्मार्ट गुरु मुकेश चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में ऐसे स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिन स्टॉक्स में शॉर्ट टर्म के लिए स्विंग ट्रेडिंग करके अच्छा प्रॉफिट यहां पे बना सकते हैं, और ये स्टॉक्स में एक अच्छे लेवल पे ब्रेकआउट हुआ है। और जो स्टॉक्स में आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, दो स्टॉक्स आईटी सेक्टर से हैं और दो एक स्टॉक्स है यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर से। तो तीनों स्टॉक्स में आप लोग के साथ प्रॉपर एनालिसिस के साथ शेयर करूंगा और तीनों स्टॉक्स के इम्पोर्टेंट लेवल, टारगेट, एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिए, और वीडियो के एंड में मैं आप लोग के साथ में जो लास्ट वीक में मैंने स्टॉक शेयर किए थे वो स्टॉक्स भी मैं आपके साथ यहाँ पे चार्ट पे शेयर करूंगा, जिन स्टॉक्स में हमने अभी 5 से 8% का रिटर्न अभी तक वो स्टॉक्स में देखने को मिला, और जो स्टॉक्स में डिस्कस किया था वो स्टॉक्स अभी चार्ट के ऊपर मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगा कि कहाँ पे वो स्टॉक्स हमने दिए थे और क्या लेवल पे वो अभी चल रहे हैं। ठीक है, तो चले हम लोग आज के चार्ट ऑफ द वीक के स्टॉक्स, सॉरी स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक देखते हैं और स्टॉक्स में क्या लेवल हो सकता है आगे और क्या हमारे टारगेट होने चाहिए वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ऐसे ही स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हो, और जो हमारी प्लेलिस्ट है वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। वहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस के कैंडल स्टिक के पैटर्न की और चार्ट पैटर्न की वीडियो भी आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करें। आज का हमारा स्विंग ट्रेडिंग का फर्स्ट स्टॉक है वो है SBI बैंक, और SBI बैंक का आप यहाँ पे वीकली चार्ट देख रहे हो। वीकली चार्ट में एक अच्छा, बहुत ही शानदार असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न ब्रेकआउट हुआ और ये स्टॉक्स लाइफ टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया। जो इसका हर्डल था पहले, जो 620 से 25 का एक रेजिस्टेंस जोन था, इसको इसने यहाँ पे निकाला है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे नीचे ट्रेंड लाइन और ऊपर का रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया और एक अच्छे वॉल्यूम के साथ में यहाँ पे क्लोजिंग भी दिया। अब चलेंगे हम लोग इसमें वीकली से यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में, और देखते हैं कि कहाँ पे हमारी एंट्री बन सकती है और कितने टारगेट के लिए हमें जाना। दोस्तों, टारगेट मैंने यहाँ पे आप लोग को बताना चाहूंगा, ये जो ऊपर का लेवल है यहाँ पे और ये जो नीचे का लो पॉइंट है, ये आपको डिफरेंस आपको दिख रहा है, ये लगभग 150 से 200 पॉइंट का डिफरेंस है। ये ऊपर की तरफ आप टारगेट रख सकते हो, कभी आपको लॉन्ग टर्म के लिए अगर स्टॉक को होल्ड करना है इसको तो भी ले सकते हो, क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग इसका चार्ट मुझे लग रहा है, बहुत ही शानदार। ये मेरे पोर्टफोलियो में यहाँ पे मैंने ऐड किया, अगर आप चाहे तो इसमें भी ऐड कर सकते हो, बहुत ही शानदार। इसमें एक लाइफ टाइम हाई के ऊपर इसने क्लोजिंग दिया और बहुत यहाँ पे कम से कम 1.5 से 2 साल के बाद में इस लेवल को इसने ब्रेक किया। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही लाइफ टाइम हाई के ऊपर यहाँ पे चल रहे, तो आज काफी अच्छा रिटर्न अभी आगे भी दे सकते हैं। लेकिन हमें शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो हमें 1 से 2 वीक में अच्छा प्रॉफिट ये गेन करके दे सकते हैं। तो 20% हमारा टारगेट रहेगा 1 से 2 वीक में, लेकिन यहाँ पे आप आगे लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करना चाहते हो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारी एंट्री प्राइस क्या होगी SBI बैंक में। फर्स्ट जो हमारे एंट्री पॉइंट होगा 650 के ऊपर, जो कि करंट प्राइस है यहाँ पे 648 का, 650 का एंट्री प्राइस होगा, 685 का फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड जो टारगेट रहेगा 715 का रहेगा, वो सेकंड टारगेट रहेगा। ठीक है, और स्टॉप लॉस हम लोग यहाँ पे हम लोग मेंटेन करेंगे, 620 का हमारा स्टॉप लॉस होगा, इस कैंडल के लो के नीचे का इनके हमारा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा स्विंग ट्रेडिंग का फर्स्ट स्टॉक है। सेकंड स्टॉक होगा हमारा यहाँ पे विप्रो। विप्रो का चार्ट में आपको यहाँ पे थोड़ा ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया आईटी सेक्टर से है और आईटी सेक्टर में भी अच्छा एक ब्रेकआउट हुआ है और वो भी एक चैनल के बाहर निकला है, तो ये स्टॉक सारे अभी निकल सकते हैं और अच्छा रिटर्न हमें बना के दे सकते हैं। तो ये रेंज के अंदर देखिए, काफ़ी टाइम से 2022 जुलाई से आप देख रहे हो, जुलाई से स्टॉक्स रेंज के नीचे ट्रेड कर रहा था, लेकिन अब इस रेंज को निकाला है, काफ़ी बार इस रेंज के रेजिस्टेंस को फेस कर रहा था और इस बार इसने ब्रेकआउट दिया, और वॉल्यूम के बाद में आप देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा वॉल्यूम इसमें देखने को मिला है। इसमें इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं,
तो यहाँ पे वॉल्यूम के साथ में एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। तो यहाँ पे विप्रो लिमिटेड का हमारा फर्स्ट हमारी एंट्री प्राइस बना सकते हैं यहाँ पे 445। यहाँ पे करंट प्राइस जो है क्लोजिंग है वो 446 है, लेकिन यहाँ पे हमारा 446 या 445 के ऊपर निकलता है तो हम लोग नेक्स्ट वीक में एंट्री बना सकते हैं। और फर्स्ट जो हमारा टारगेट रहेगा 475 का रहेगा, और फाइनल जो टारगेट रहेगा 530 का रहेगा। जो आपको यहाँ पे थोड़ा मैं इसको स्क्रॉल करूंगा तो आप यहाँ पे ये टारगेट आप लेके चल सकते हो, जो कि ये रेजिस्टेंस आपको फेस कर सकता है और आगे यहाँ तक ये स्टॉक जा सकता है 430, जो कि ये वीक्स आपको दिख रही है यहाँ पे, यहाँ तक ये स्टॉक जा सकता है। तो इसको थोड़ा होल्ड करेंगे तो काफी अच्छा यहाँ तक जा सकता है, लेकिन हमें 1 से 2 वीक का लक्ष्य रख के चलना है, तो यहाँ तक ये हमारे टारगेट होने चाहिए। अब चलेंगे अगले। इस कंडीशन में मैं एक बार इसका स्टॉप लॉस बता देता हूँ, स्टॉप लॉस हम लोग ने डिस्कस नहीं किया। तो विप्रो में जो स्टॉप लॉस रहेगा हमारा, वो रहेगा हमारा 420 का रहेगा। आपको कहीं ना कहीं ये इस कैंडल के लो के नीचे, ये जो रेड कैंडल दिख रहे हैं ना, कहीं ना कहीं ये यहाँ पे थोड़ा मार्केट रुका हुआ था ये स्टॉक्स, तो यहाँ पे इसके नीचे कहीं ना कहीं आपको 420 का स्टॉप लॉस रखेंगे। और टारगेट ये मैंने 530 के लिए हम लोग इसमें होल्ड कर सकते हैं 1 से 2 वीक के लिए। अब चलेंगे अगला जो स्टॉक्स है टेक महिंद्रा, वो भी देख लेते हैं। एक बार इसको रिमूव कर लेते हैं, इसका थोड़ा कलर चेंज करते हैं, कलर इसका थोड़ा ये जो लेवल आप देख रहे हो ना, मैंने मार्क करके रखे हैं, ये एक रेजिस्टेंस जोन है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन, इसको ब्रेक किया है लेकिन इसके ऊपर अभी गया, वीक गई थी लेकिन इसमें सस्टेन नहीं हुआ, आप देख रहे हैं ना। तो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ, देखिए ये वीक है, इसका जो रेजिस्टेंस जोन है ना, ये इसने 1320 के आसपास जाके वापस नीचे आया, लेकिन अगर इसके 1320 के ऊपर नेक्स्ट वीक में जाता है, मार्केट सपोर्ट करता है, तो ये काफी अच्छा आउट परफॉर्म कर सकता है नेक्स्ट वीक में स्टॉक। तो टेक महिंद्रा को 1320 के ऊपर हम बाइंग करेंगे। फर्स्ट टारगेट रहेगा 1377 यानी 1377, और फाइनल जो हमारा टारगेट रहेगा 1500, 1500 का टारगेट रहेगा। जो स्टॉप लॉस कंडीशन, इस कंडीशन में हम लोग लगाएंगे 1280 का स्टॉप लॉस रहेगा, वो आप यहाँ पे कहीं ना कहीं इस कैंडल के आसपास यहाँ पे ये स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए, जो कि यहाँ पे काफी टाइम इस स्टॉक यहाँ पे होल्ड किया था, तो ये कहीं ना कहीं आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये स्विंग लो हो जाएगा या इस स्विंग के आसपास आपका स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि लो के नीचे आप रखोगे तो आपका बहुत बड़ा स्टॉप लॉस रहेगा, लेकिन यहाँ पे आज स्टॉक आता है तो हम लोग यहाँ पे एग्जिट मार लेंगे, अदरवाइज यहाँ पे जो स्टॉक हमारे डायरेक्शन में जाता है, हम यहाँ पे स्टॉक को ट्रेलिंग करके स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस मैंने प्रॉपर बता दिए। अगर आप लोग का कोई भी क्वेरीज है तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो। अब चलेंगे लास्ट जो मैंने स्टॉक लास्ट वीक में दिया था, वो स्टॉक में आपको थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट स्टॉक मैंने दिया था, डिस्कस किया था अडानी पोर्ट, तो यहाँ पे अडानी पोर्ट का, सॉरी अडानी पोर्ट को यहाँ पे देखिए, मैंने कहीं ना कहीं 1000 के आसपास बाइंग के लिए दिया था। ये स्टॉक्स हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे हिट किया है, और इसमें भी 5-7% का रिटर्न इसमें अभी तक हमें दिया है, ठीक है। तो अडानी पोर्ट आरसीएफ का देखेंगे, आरसीएफ में देखिए मैंने यहाँ पे इसको भी मैंने आप लोग को बताया था 150 के ऊपर निकलेगा, तो इसमें भी हमारा जो फर्स्ट सेकंड टारगेट है वो इसने अचीव किया है, जो कि 165 के आसपास जाके आया है, तो इसमें भी 6 से 7% का रिटर्न इसमें अभी तक बना है। और जेंसी लिमिटेड का इसका भी हम लोग चार्ट देख लेते हैं, तो यहाँ पे भी देखिए इसको भी मैंने लगभग 430 के ऊपर बाइंग के लिए दिया था,
ऊपर जाके आया, फिर से हमारे 420 के आसपास क्लोजिंग दिया, तो इसने भी 4 से 5% का रिटर्न इसमें बना है। तो ये सारे स्टॉक्स में रिटर्न बना। अगर आपको 1 से 2 वीक में होल्ड करना है तो यहाँ पे रिट्रेस होकर और भी ऊपर जा सकते हैं नेक्स्ट वीक में। तो ये सारे स्टॉक के ऊपर अपनी नज़र जरूर बनाए रखें। और दोस्तों, आप लोग जो भी इसमें ट्रेडिंग करते हो या कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बिल्कुल फ्री है, वहां से ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि।